मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में कमलनाथ ने विधायकों से कहा कि बढ़ती महंगाई पर सरकार को उन्होंने घेरने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि प्रदेश में अवैध उत्खनन, तबादला उद्योग, मिलावटखोरी लगातार बढ़ती जा रही है। अपराधियों के मन में कानून का भय नहीं बचा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसको लेकर सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जाएगी। सभी विधायक एकजुटता से जनहित के मुद्दे विधानसभा में उठाएंगे। नौजवान और बच्चों के साथ रेप हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे। सर डिप्टी स्पीकर को लेकर भी रहे, अब आप रणनीति बनाएंगे? यदि सीधे से मानते हैं बीजेपी वाले तो ठीक है, वो संघर्ष करेंगे। अरे सड़क पे क्या धरना है इसमें? देखिए, कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की पूरी खत्म हो जा चुकी है। शिवराज सिंह जी और गृह मंत्री जी के हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। एक महिला जो भोपाल में, जो जहां सरकार की नाक के नीचे 37 दिन बाद FIR होती है रेप वाली, तो ये सब सारी स्थिति है। लूट, डकैती, चोरी, हत्याएं बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। उसके बाद है पेट्रोल है, डीजल है, गैस सिलेंडर, इनके रेट्स तो आप लोग सब जान ही रहो। किसानों की कर्ज माफी की बड़ी समस्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बिगड़ता लाइन ऑर्डर है, फिर माफिया हावी हो रहे हैं, तमाम चीजें, तो आज उसको चर्चा होना है। जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है। कोरोना काल के बाद जैसे लोग परेशान हुए, लोग रोजगार खत्म हो गए, किसानों का मामला जो ऋण माफी इन्होंने रोक दी है, जिस तरह से महिलाओं और बच्चियों पर दुष्कर्म हो रहे हैं उसके मामले हैं, और डीजल पेट्रोल के जो रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के भाव बढ़ते जा रहे हैं, ये सब मुद्दे रहेंगे जो उपाध्यक्ष के लिए मांग करेंगे और ये बात करेंगे। ये बात करेंगे गाड़ी तो नहीं है, पर अगर सरकार गिरी है तो देखिए, सरकार जहां पे भी गिरी, कर्नाटक में गिरी हो, मध्य प्रदेश में गिरी हो, पांडिचेरी की स्थिति हो, उत्तराखंड की जो पूर्व में स्थिति बनी वो हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति और धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल, केंद्र सरकार के रसूख का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री के नाम का और गृह मंत्री के नाम का इस्तेमाल किया गया है। राज्य की सरकार को गिराने पर आ जाए तो क्या मैनेजमेंट करें? हम तो जनता के बीच में जाते हैं भैया, हम प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम गांधी की पार्टी के लोग हैं, महात्मा गांधी के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं, प्रजातंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वैसे तो नहीं बन सकते जैसे वो कर रहे हैं। देखिए, मेरे दो फोकस हैं। पहला फोकस, क्योंकि मैं जहां से चुनकर आया हूं, कृषि आधारित क्षेत्र है, तो पहला फोकस है हमारे किसान साथी, और क्योंकि मैं खुद युवा हूं तो मेरा दूसरा फोकस है युवा। तो मैं प्रयास करूंगा आने वाले 3 साल में पूरी मजबूती के साथ किसानों के और युवाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ूं। करेंगे कि आने वाले समय में पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीतियां हैं, युवा विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ हमें किस प्रकार से आवाज उठानी है, किस प्रकार से आवाज को मजबूत करना है और प्रदेश की जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है।